my friends, welcome back to my channel Hindi Rafi On Go. आज मैं बात करूंगी क्रैलॉन प्रोफेशनल मेकअप के डर्मा कलर्स के कैमोफ्लेज क्रीम पैलेट के बारे में. अगर आप क्रैलॉन प्रोफेशनल मेकअप के सुप्रा कलर पैलेट के फुल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, वो क्या है, कैसे यूज करना चाहिए, तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को क्लिक करिए यहाँ ऊपर एंड आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, ये है डर्मा कलर का पैलेट, क्रैलॉन प्रोफेशनल का. यहाँ दिया हुआ है क्रैलॉन, यहाँ दिया हुआ डर्मा कलर पैलेट एंड दिस इज अ कैमोफ्लेज क्रीम. कैमोफ्लेजिंग मीन्स टू हाइड द पिगमेंटेशन. कैमोफ्लेजिंग मीन्स टू प्रिपेयर योर स्किन फॉर मेकअप. इट्स नॉट प्री प्रिपरेशन, इट्स लाइक कैमोफ्लेजिंग करनी है हमको अपनी स्किन का. मतलब जो भी पिगमेंटेशन है, कलर करेक्शन है, वो सब कैमोफ्लेजिंग में आती है. क्योंकि कैमोफ्लेजिंग हमें हमेशा करनी ही होती है. उसके ऊपर आप कोई भी फाउंडेशन कंसीलर जो लगाएं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो आज मैं बात करूंगी इस डर्मा पैलेट के बारे में कि अगर आप बिगनर्स हैं, मेकअप में बिगनर्स हैं, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, अभी भी मेकअप शुरू किया है, तो मैं बताती हूँ कि ये डर्मा पैलेट हमें कब यूज होता है. गाइज, ये भी सेम एज अ सुप्रा कलर के पैलेट की तरह ही है. इसमें भी 12 शेड्स दिए हुए हैं. यहाँ पे जो नीचे शेड्स हैं वो जो D34 से लेके D32 तक, ये सब करेक्टिंग कलर्स होते हैं इसमें. एंड ये D4, D4.5, D5 ये मेन फाउंडेशंस हैं जो स्किन टोन के लिए बने हुए हैं. D4 थोड़ा फेयर स्किन के लिए है, ये D4.5 मीडियम स्किन के लिए है, और D5 थोड़ा डार्क स्किन टोन के लिए. फिर इसमें दिया हुआ है DFD, DJ2, D16. जो मेरे पैलेट का नाम है, ये है ब्राइडल पैलेट. इसमें बहुत अलग अलग वेराइटीज के पैलेट्स आते हैं, लाइक Mumbai 1, Mumbai 2 ब्राइडल. मैंने जो लिया है वो ब्राइडल पैलेट लिया है. एंड नीचे इसमें D64 है, फिर D65, D72, D34, D30 एंड D32. ये तीनों करेक्शन के लिए यूज होते हैं. ये ऑरेंज करेक्टर है, D34, ये दोनों ऑरेंज करेक्टर्स हैं. ये कोई भी पिगमेंटेड एक्ने स्कार है, ये डॉट है, स्पॉट है, कोई भी ऐसी चीज है, उसको आप इसको इससे कलर करेक्शन कर सकते हैं. गाइज, जो हमारा सुप्रा पैलेट है वो बहुत ही ज्यादा ऑयल बेस्ड होता है, तो वो हम उन लोगों पे यूज करते हैं जिनका स्किन बहुत ड्राई होता है. लेकिन जो ये डर्मा पैलेट है, ये जो डर्मा का है, ये बहुत ही ड्राई है. ये जो प्रोडक्ट है, इट्स वेरी ड्राई. आई शो यू, सी, उसके एक स्वाइप में पूरा आ जाता है और ये इसके एक स्वाइप में सिर्फ इतना ही आता है. एंड देखिए आप, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं सिक्रेट हो रहा है. एंड ये बहुत ही, ये थोड़ा इसको जब हम ब्लेंड करते हैं तो थोड़ी इसको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है. तो मेक श्योर कि जब भी आप डर्मा का कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, डर्मा का कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं स्किन पर, आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड होनी बहुत जरूरी है. ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू सुप्रा कलर, बिकॉज सुप्रा कलर ऑयल बेस्ड है तो वो जल्दी निकल जाता है. आपको उसकी कॉम्पैक्ट से उसको पैक करना बहुत जरूरी है, बेकिंग करनी बहुत जरूरी है उसमें. बट डर्मा में आप डर्मा लगाइए, इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन. डर्मा लगाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा बहुत लाइट आपको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगा के उसको पैक करना है एंड यू आर गुड टू गो. दैट्स इट. तो ये उन लोगों की स्किन के लिए है जिनकी स्किन ऑयली है, उस पर हम ये ड्राई वाला यूज कर सकते हैं. एंड इसको विंटर्स में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. अगर आपकी विंटर की कोई ब्राइड है और आपको यूज करना है, आपके पास कोई और फाउंडेशन नहीं है, तो गाइस आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है, इस पैलेट में से निकाल के प्लेट में डालना है. जो मिक्सिंग प्लेट आता है, मिक्सिंग ट्रे आता है, उसमें कोई भी ना फेस ऑयल्स होते हैं वो आप मिक्स करिए 1-2 ड्रॉप एंड आप फिर उसके बाद लगाएंगे. तो ब्लेंडिंग करना भी बहुत ईजी रहेगा और उसके पर मेकअप करना भी बहुत आसान रहेगा. पर अगर आप इसको डायरेक्टली लगाएंगे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एकदम ड्राई पैचेस दिखेंगे, आप उसको अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर पाएंगे एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप डर्मा का पैलेट विंटर्स में किसी ब्राइड पे या किसी पर भी यूज करते हैं. तो यहाँ पीछे इसकी बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है. इसका नाम है ब्राइडल पैलेट. और जब भी आप क्रैलॉन के प्रोडक्ट खरीदें तो मोस्टली क्रैलॉन सिटी से ही खरीदें. दिल्ली में बहुत 2-3 शोरूम है, मुंबई में भी हैं, तो खुद के उनके
आउटलेट पर ही मिलता है, जो क्रायलॉन का ऑफिशियल आउटलेट होता है वहीं पर ये मिलता है प्रोडक्ट। एंड इसमें टोटल 12 शेड्स आते हैं। इसका कॉस्ट है 3,250। इसका जो कॉस्ट है वो सुप्रा कलर से कॉस्टली है ये, क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन है वो सुप्रा कलर के जो फाउंडेशन है, जो पैलेट है, उससे एकदम डिफरेंट है। एंड इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो। तो ये आते हैं आपके 3,250 रुपीज में 12 शेड, जिसमें से मोस्टली करेक्टर्स हैं। इसका एक छोटा पैलेट भी आता है जिसमें 5 शेड्स रहते हैं। ऑरेंज करेक्टर रहता है, यानी कि D30, फिर D4, D4.5, D5 और एक और आई थिंक DFD या कुछ एक ऐसा शेड आता है। तो इसका छोटा पैलेट भी आता है, वो अराउंड 2,200 या 2,500 में आता है इसका। ऐसे ही सेम सुप्रा का भी सेम छोटा पैलेट आता है 5 शेड्स का, तो आप वो भी ले सकते हैं। बट इट्स वेरी अफोर्डेबल कि हाँ, इतनी कॉस्ट में, इतना भी अफोर्डेबल नहीं है बट इतना महंगा भी नहीं। अगर आप अलग अलग लेने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेंगे डिफरेंट शेड के। एंड इसमें क्या होता है, आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं, लाइट शेड को थोड़ा डार्क कर सकते हैं, डार्क को थोड़ा लाइट कर सकते हैं। सेम ही शेड पे आपको नहीं काम करना है कि मेरे पास डार्क है तो मैं क्या करूँ, इसमें आप मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेन है, कोई भी मेकअप आप शुरू करने जा रहे हैं उसका बेस क्रायलॉन ही होता है। क्रायलॉन से ही शुरुआत होती है मेकअप की। फिर लिक्विड फाउंडेशन तो अभी आना शुरू हुए हैं कुछ ईयर्स बैक, उससे पहले ये क्रीम फाउंडेशन ही चलते रहते थे और क्रायलॉन ही चलता था। इनफैक्ट अभी भी हमारी इंडस्ट्रीज में मेनली क्रायलॉन के ही प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो वही यूज करते हैं। बट येस, दे आर सो मेनी हाई एंड यू नो लिक्विड फाउंडेशन आर ऑल्सो देयर विच आर रियली गुड। बट एक मेकअप आर्टिस्ट या फिर एज अ बिगनर्स के लिए आपके पास ये प्रोडक्ट्स होने बहुत ही जरूरी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको डर्मा पैलेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और कोई भी प्रोडक्ट है आपका, आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।